नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रमोद सिंह आज जो है आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। और यहां पर जो है आप लोगों का आज 40 क्वेश्चन का डिस्कशन होने वाला है साइंस का। रेगुलर आप लोगों का इवनिंग में ये एमसीक्यू का क्लास चलता है। मेरा यूट्यूब चैनल है एमसीजी एकेडमी, जहां पर आप लोगों को इसका रिवीजन क्लास का जो है प्रीवियस वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको वहां से भी मिल जाएगा, है ना। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज का जो अपना, जो भी लोग प्लस पर हैं ऑलरेडी तो प्लस कोर्स एनरोल कर लिया है उन लोगों ने, तो ये आप लोगों का जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स चल रहा है रात में 9 बजे। प्लीज़ रेगुलर आइएगा जरूर। और जो भी लोग नए हैं, आज शायद प्रगति गुप्ता जी, आज आपका पहला दिन है, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन आपसे कहता है कोयले की किस किस में मूल पादप द्रव्य के अभिघे अवशेष पाए जाते हैं। तो मूल पादप द्रव्य के अभिघे अवशेष का मतलब है कोई डायमंड नहीं, छोटी हुई चीज़ पाई जाती है। बताइए आप लोगों का कौन सा जो है लोहे की कौन सी प्रकृति रहती है। मैं बोल रहा हूँ लोहे की, कोयले की। कोयले की किस्म में जो आप लोगों का पीट प्रकृति का एक कोयला रहता है, एंथ्रेसाइट लिग्नाइट बिटुमिनस तो आप लोगों का रहता ही है, लेकिन ये जो आप लोगों का कोयला रहता है इसमें पादप द्रव के अभिघे अवशेष, मतलब इसमें कम मात्रा में कार्बन आप लोगों का पाया जाता है। सीधा सीधा बोलेंगे तो किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाएगा। मैथ्स लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग इसको इजीली बना सकते हो, तो बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। देखो रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का है, तो आधा जीवन 4 महीने का है तो भाई उसका 4 महीने, उसका 3/4 आप लोगों से पूछा गया है, तो पूरा आप लोगों का 16 का होगा और आप लोगों का 3/4 पूछा गया है तो 42 आप लोगों का 8 महीने आप लोगों का इसमें राइट आंसर हो रहा है। 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है, तो आधा जीवन 4 महीने का है। और पूरा जीवन आप लोगों का उसका 8 महीने का होना चाहिए वैसे। 3/4 भाग, 8 का 3/4 आप लोगों कितना होगा भाई, 3/4 कितना होगा इसमें आप लोगों का। वैसे मैथ का क्वेश्चन है तो आप लोग इजीली इसको बना सकते हैं। 4 × 8 = 6 महीने इसमें राइट आंसर होना था, ए वाला, किसी ने भी नहीं किया है ना, ए वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होना था। एनीवन हैव अ डाउट? देखो वो आपसे बोला था रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का, तो पूरा जीवन कितने का होगा, 8 महीनों का, और 8 का 3/4 कितना होगा आप लोग ज्ञात कर लिए। 3/4 मतलब 4 × 8 और 2 × 3 = 6, तो मतलब 6 महीने का आप लोगों का राइट आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के MRI के विकास में सहायता की और इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। तो सीधा सीधा बता दीजिए नोबेल पुरस्कार इनमें से किसने प्राप्त किया। देखो वो व्यक्ति जिसने महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के रूप में, मैं आपको बताना चाहूँगा, MRI के विकास की सहायता जो प्रदान किया है और उसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो उसका नाम जो है आप लोगों का पालसी लोटरबर, आप लोगों का पालसी लोटरबर उसका नाम था, है ना, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ये तो आप लोगों को इजीली मैंने शायद प्रीवियस क्लास में ही बताया था, बताइए भाई किस रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल का। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग जो है नियामक, या इंग्लिश में इसको मॉडरेटर कहते हैं, उसके रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन आप लोगों का कौन सा रहता है, तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है यदि आप लोगों ने जो है नाव की विखंडन क्रिया को पढ़ा है तो। होगा प्लीज, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन आप लोगों को कौन सा है वो आपको बताना है। तो परमाणु रिएक्टर में मूल रूप से जो है आप लोगों का यूरेनियम प्रयुक्त किया जाता है, यूरेनियम आप लोगों का डी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। यूरेनियम 92-235 प्रयुक्त किया जाता है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है भाई, किस रूप में जो है इनका प्रयोग किया जाता है बताइए भाई। आप लोगों का जो ग्रेफाइट की छड़ें जो रहती हैं नाभिकीय रिएक्टर में, उनका प्रयोग जो है वमंदक या कहें मंदक के रूप में किया जाता है, क्योंकि जब नाभिकीय रिएक्टर की अनियंत्रित क्रिया की जाती है यदि उसको नियंत्रित करना हो तो ग्रेफाइट की छड़ों का प्रयोग करना होता है, ठीक है, जो उसके जो क्रिया को धीमा कर देता है एक तरीके से बोलें तो। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है, उस गैस का नाम बताइए जो आप लोगों का वाहनों में से निकलती है और काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है, कौन सी गैस है भाई। देखो ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसे वायु प्रदूषण होता है, तो वो गैस कौन सी है, वो आप लोगों की कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑटोमोबाइल मीन्स ऑटोमोबाइल में आप लोगों के वाहन आते हैं, कार और जो डंपर आप लोगों की गाड़ियाँ ऑटो सब चीज़ें आप लोगों की उसमें आती हैं ऑटोमोबाइल में। भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग प्रक्षेपास्त्र है, भारत के पास कौन सा जो है प्रक्षेपास्त्र है परमाणु क्षमता वाला,
तो उसका नाम आप लोगों को बताना है कौन सा है। इसमें जो आपका आंसर क्या होने वाला है, अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है जो है, अंकीय सिग्नल में किस प्रालेख को कोडन करने के बाद उसे टेलीफोन, टेलेक्स या उपग्रह के बाद प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा सकता है, जहां उसका विकोडन किया जाता है, कोड और डिकोड उसको हम कह सकते हैं, और मूल प्रलेख की सही प्रति तैयार की जाती है। निम्नलिखित में से यह प्रक्रिया कौन सी है और उसका प्रतिनिधित्व जो किसका प्रतिनिधित्व करती है, बता सकते हो आप लोग? देखो, अंकीय सिग्नल में जो आप लोगों का भेजा जाता है वो फैक्स है। आप लोगों का फैक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, फैक्स इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं, ये तो भाई आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए था। तो ज्यामिति का जनक जो है आप लोगों का यूक्लिड को कहते हैं, और अभी भी 10th क्लास में यूक्लिड थ्योरम चलती है, काफ़ी अच्छी है, और इसको आगे जो है बढ़ाने का कोशिश किया जाएगा। निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती हैं जहां तड़ित झंझा आती है, तो उनको आप लोग क्या कहते हो? आप लोगों को ये चीज बताना है कि जो है क्या राइट आंसर होगा इसमें। जो आप लोगों का जहां पर तड़ित झंझा आती है तो उनको आप लोग क्या बोलते हो? तो आप लोगों को ये बताना है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? आइसोक्रॉन्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोक्रॉन्स। ठीक है, तो आप लोगों को जो है कोई परेशानी उसके लिए नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है आपसे क्या कहता है, तापमान घटने के साथ साथ सापेक्षी वस्तु का प्रतिरोध, सीधा सीधा तापमान घटने पर प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको ये बताना है। बताइए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका। हेलो हेलो जी, बोलिए। हाँ सर, थोड़ा सा अभी क्लास में था, मैं अभी आपको कॉल करूँ। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? प्रतिरोध। भाई तापमान जैसे भी आप लोगों का घटेगा, तापमान यदि वस्तु का घटता है तो प्रतिरोध भी उसका घटे जाता है, तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। सेम कंडीशन मैंने आपको आज इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा साइंस में, तब और एक्सप्लेन करूंगा। जो प्लस पर है वो लोग उसमें आइएगा। तापमान का सीधा सीधा प्रभाव इलेक्ट्रिसिटी पर यही पड़ता है कि तापमान घटेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध आप लोगों का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का घटने पर जो घटे जाता है यही आप लोगों को याद करना है, ए वाला आप लोगों का, है ना। पोर्टलैंड सीमेंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसका आविष्कार किसने किया था आपको ये बताना है। बताइए भाई इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर होने वाला है उसमें आप लोगों का जो है जोसेफ अस्पिडीन, आप लोगों का सी वाला जो है राइट आंसर होगा। आई थिंक आप लोगों को कोई परेशानी यहां तक नहीं होना चाहिए। भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलता पूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? देशज मतलब देश में निर्मित आप लोगों की है, कौन सी है उसका नाम बताइए आप। तो पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली देशज मिसाइल जो पृथ्वी के पास आप लोगों के पास है वो पृथ्वी ही है। तो पृथ्वी से पृथ्वी पर पृथ्वी मिसाइल है, रट लेना है, फालतू आप लोगों को परेशान नहीं होना है। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? ऐसा उसमें क्या होता है जिसके चलते उसमें से काफी सारी ऊर्जा निकलती है? तो बताइए भाई क्या होता है परमाणु बम के अंदर? और द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन, इसी के कारण उसमें से काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है जनरेट होती है। ए वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो वो आविष्कार आप लोगों को बताना है कौन सा है जिसके चलते अल्फ्रेड नोबेल को पुरस्कार जो है मिला था। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि आविष्कार के रूप में जो है मिली है, और वो आप लोगों का डायनामाइट आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा, सी वाला। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, तो इसका मेन रीजन आप लोग बता सकते हो भारी मोटर वाहन के लिए डीजल तेल ही क्यों पसंद किया जाता है? देखो, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि इंजन को नुकसान कम पहुंचता है डीजल तेल से, ऐसा उनका मानना है। वह धातु कौन सी है जो पानी में अत्यधिक प्रदूषण फैलाती है, पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है, कौन सी धातु है भाई? आर्सेनिक जो आप लोगों की रहती है वो पानी में अत्यधिक प्रदूषण फैलाती है, तो आर्सेनिक इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा, ए वाला। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो बताइए भाई किस कण की आवश्यकता होती है यूरेनियम विखंडन को जारी रखने के लिए?
देखो यूरेनियम विखंडन की क्षति प्रक्रिया में, मतलब उसको यूरेनियम की प्रक्रिया जो नाभिकीय विखंडन रहती है, उसके बाद एक के बाद एक अणु बनता जाता है और फटता जाता है, तो इसमें न्यूट्रॉन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो न्यूट्रॉन जो है आवश्यक होता है इस प्रक्रिया में। ट्राई नाइट्रो टोलुइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है, तो बताइए भाई किसके मिश्रण द्वारा इसको तैयार किया जाता है। अमोनियम नाइट्रो टोलुइन विस्फोट में किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है, तो ये अमोनियम नाइट्रोट के मिश्रण के द्वारा किया जाता है, डी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। सौर ऊर्जा का कारण है, सौर ऊर्जा का मूल कारण क्या है जिसके चलते सौर ऊर्जा जो है जनरेट होती है। देखो सूरज के अंदर जो है नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जिसके चलते जो है सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब आप कहोगे किसकी क्रिया होती है, कौन सी गैसें हैं, तो हा ही याद करना है, हा ही मतलब हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम की क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन होती है जिसके चलते जो सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे हम प्रकाशित होते हैं। विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों तथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, बताइए भाई उस जैव प्रौद्योगिकी को हम क्या कहते हैं। देखो ये जो आप लोगों का होना था वो सनराइज उद्योग, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओके निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है, तो बताइए भाई कौन सा उपकरण जो है निर्गम उपकरण नहीं है आपका। देखो निम्नलिखित में से आपसे पूछा गया है कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है, तो आप लोगों का स्पीकर जो है आप लोगों का निर्गम, सॉरी आप लोगों का प्रकाशक लक्षण अभिज्ञाता जो है निर्गम उपकरण केंद्र नहीं है। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं, तापमान, वर्षा, वायु वेग एक साथ जो है क्या क्या बनाते हैं आप वो बताइए। सूर्य के प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब, वायु वेग एक साथ जो है क्या बनाते हैं, तो आप लोगों का जल वायवीय कारक जो है आप लोगों का बनाते हैं, सी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, जो है ऐसा है क्या, तो आप बताइए भाई सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी। केपलर ने ग्रहों से संबंधित नियम दिए थे, कोपरनिकस ने ब्रह्मांड की वो दी थी, फिलहाल केपलर इसमें आप लोगों का सौर प्रणाली की खोज भी इनकी के द्वारा की गई थी, केपलर का आप लोगों का जो राइट आंसर होगा, इनके द्वारा ग्रहों के तीन नियम दिए गए थे, है ना। भारत में न्यूक्लियर विस्फोट जो आप लोगों का है, न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण किया गया, तो न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण आप लोगों का कहाँ किया गया था ये बता दीजिए। न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण जो है पोखरण में किया गया था, इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है पोखरण करके, है ना, देखिए उसको यदि नहीं देखा है तो। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी अक्षर क्या उद्घोषित करता है, बताइए भाई जी क्या उद्घोषित आप लोगों करता है। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी अक्षर का जो उद्घोषण आप लोगों का रहता है वो जनरेशन से रहता है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ऐसे तरीके से आप लोगों का आ रहे हैं। आपके मोबाइल अभी 8G आने लगे, मतलब 8th जनरेशन तक आप लोगों के मोबाइल पहुंच गए हैं। ओटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है, बताइए भाई किस आविष्कार के लिए ओटो हॉर्न को जाना जाता है, और काफी विनाशकारी है वो आप लोगों के लिए। देखो ओटो हॉर्न जो आप लोगों का नाम है वो एटम बम के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, उन्होंने ही जो है एटम बम की खोज की थी वर्ल्ड वॉर के समय। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है, तो बताइए भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है। देखो प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र आप लोगों का त्रिशूल है, त्रिशूल इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो बताइए भाई जो है कहाँ ये मुख्यालय आप लोगों का स्थित है। देखो समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF का मुख्यालय पूछा रहा है, तो आप लोगों का MCF का मुख्यालय श्री हरिकोटा है क्या, हासन कर्नाटक है भाई, कर्नाटक में MCF का मुख्यालय, आंध्र प्रदेश से जो है आप लोगों का छोड़ा जाता है, लेकिन जो मुख्यालय की बात कर रहा है तो आप लोगों का हासन कर्नाटक में है, ठीक है। पायसीकरण एक एजेंट है जो क्या करता है, तो पायसीकरण आप लोगों ने पायस की प्रक्रिया सुनी होगी, एजेंट है जो करता क्या, कोई भी से नहीं दे पायस को, पायसीकरण जो आप लोगों का एजेंट है वो क्या कर देता है, पायस को स्थाई कर देता है। स्थाई करने का मतलब है पायसीकरण की प्रक्रिया
द्रवों के मध्य होती है, जो क्रीम तरीके की रहती है ना, उनके मध्य पाशीकरण की क्रिया होती है। तो उनमें कोई मिलन जो है और भी चिकनी चीज ना हो सके, पाशीकरण की प्रक्रिया उस एजेंट को कहते हैं जो उसको स्थायी कर देता है फिर, है ना। बर्फ पानी पर इसीलिए तैरती है क्योंकि, इसका रीजन आपको बताना है, बर्फ पानी पर तैरने का इसका मूल कारण आप लोग, बर्फ पानी पर तैरने का मुख्य कारण ये है कि बर्फ का जो घनत्व होता है पानी की अपेक्षाकृत बहुत कम होता है, इसीलिए बर्फ पानी पर जो है तैरती रहती है। इसलिए बी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? ऊंचाई पर वो उड़ते हैं फिर भी उनको सांस की कमी क्यों महसूस नहीं होती? पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी इसलिए रहती है क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोश उपस्थित रहते हैं, इसीलिए उनको सांस की कमी महसूस नहीं होती है, उनमें जो है वो ऑक्सीजन स्टोर कर लेती हैं। ठीक है, तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें ऐसा क्या होता है जिसके चलते तारकोल की जो सड़कें आप लोग बनती हैं उनमें किस कारण से जो उनमें टूट फूट होती है? तो सड़कों पर टूट फूट जब होती है आप लोगों का, कोई बात नहीं, तो इसका मूल कारण ये है कि सड़क पर पानी स्थायी हो जाता है क्योंकि तारकोल जो आप लोगों का रहता है गलनशील रहता है ना पानी में, जिसके चलते वो सड़कें टूट जाती हैं जो पानी में गलनशील हो जाती हैं। पिकनोमीटर का नाम आपने सुना होगा, पिकनोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बताइए भाई, किस चीज़ को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है? भाई घनत्व डेंसिटी मापने के लिए आप लोगों का पिकनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसमें अपना सोचना क्या है? सूखी बर्फ क्या है? कई दफा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक ये क्वेश्चन आपका ये रहा है कि सूखी बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का पर्वतित रूप आप लोगों का क्या रहता है? सूखी बर्फ कहलाता है। ओके, भारत की मिसाइल अग्नि 2, वह भारत की मिसाइल जो अग्नि 2 आप लोगों की है वो कैसी मिसाइल है, मतलब कहाँ से कहाँ पर मार करती है? इसमें जो अग्नि मिसाइल 2 आप लोगों का है वो पृथ्वी से पृथ्वी पर ही आप लोगों की वार करती है, और पृथ्वी से पृथ्वी पर के लिए पृथ्वी नाम की मिसाइल भी होती है, वो मैंने अभी अभी आपको बताया था ना। घरेलू प्रशीतित्र में सामान्यतः कौन सी प्रशीतित्र उपयोग की जाती है? तो बताइए भाई, कौन सी गैस जो है उपयोग की जाती है घरेलू प्रशीतकों में, प्रशीतक के रूप में आप लोगों का, जैसे आप लोगों का जो एसी होता है, आप लोगों का फ्रिज होता है, उनमें कौन सी गैस उपयोग की जाती है? सामान्यतः गैस जो आप लोगों का है फ्रियोन, उसमें प्रयोग किया जाता है। फ्रियोन गैस का प्रयोग जो है घरेलुओं में प्रशीतक के रूप में या ठंडक पहुंचाने वाले यंत्रों में किया जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके समक्ष, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का आदि प्रारूप जिसकी सफल उड़ान भारतीय वायुसेना द्वारा जारी जो जनवरी 2011 में सॉरी 2001 में की गई, उसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में किस कारखाने में किया गया था? उस कारखाने का नाम आप लोगों को बताना है। फिलहाल इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताना चाहूँगा आप लोगों का, बेंगलुरु जो है आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। जो पहला लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो आप लोगों का बनाया गया था वो आप लोगों कहाँ बनाया गया था? बेंगलुरु। जो है आज की क्लास आप लोगों की कंप्लीट होती है, आई होप, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज के टॉपर आप लोगों के सामने ये रहे। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं और आई होप, आशा करता हूँ क्लास आप लोगों को जो आज का पसंद आया होगा। मेरा यूट्यूब चैनल MCG Academy, यहाँ पर आप लोगों को जो रिवीजन क्लास आप देख रहे हो, ये रिवीजन क्लासेस आप लोगों को रेगुलर मिलता रहेगा। और मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है प्रमोद सिंह रावत, जहाँ से आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए, रेगुलर क्लासेस का नोटिफिकेशन यहाँ से आपको अनअकैडमी की ओर से मिलता रहेगा। आई होप, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करोगे। ओके।